नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे अष्टाकाइंड एलएस जूनियर सिरप के बारे में बात करेंगे। इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे। इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अष्टाकाइंड एलएस सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, जूनियर सिरप के, जो कि बच्चों में यूज़ लिया जाने वाला सिरप है। दोस्तों ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं सॉल्वी एलएस सिरप के नाम से आपको मिल जाता है। ये कुछ ऐसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग मिल जाता है दोस्तों, और मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला सस्पेंशन होता है। इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मैनकाइंड कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और 60 ml में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो MRP होती है मार्केट में, तकरीबन ये आपको 80 rupees का मिल जाता है। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो एक्सपायर होता है ये 2 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 23-25, यानी कि 1-24-25 ऐसे करके ये 2 साल तक इसे चल जाता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला सस्पेंशन है, इसका सिर्फ ओनली बच्चों में पेडियाट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। और इसके अंदर जो सॉल्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, लेवोसॉल बूटामोल इसके अंदर है, और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर, गुआपेसिन है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन में ये लेवोसॉल बूटामोल इसके अंदर, और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआपेसिन, ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन में है। इसके अंदर सॉल्ट है। अब मैं बता देता हूँ कितनी इसमें कितनी दवा डाली गई है। तो लेवोसॉल बूटामोल जो इसके अंदर 0.5 mg डाली गई है, और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड इसमें 15 mg डाली गई है, और गुआपेसिन इसके अंदर 50 mg डाली गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, देखिए ये खास करके जो बनती है खांसी के लिए ही बनाई गई है दवा, इसका सिर्फ खांसी में यूज़ लिया जाता है, चाहे वो सर्दी ज़ुकाम हो उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं, दम्मा हो जिस दम्मे में सांस लेने में दिक्कत होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, जिसमें फेफड़ों में बलगम जम जाता है उस कंडीशन में, या गले में खरांस होती है, खांसी होती है, बार बार छींकें आती हैं, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं, यानी कि खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है। अब चाहे वो दोस्तों आपको जैसे बलगम वाली खांसी हो उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है, और सूखी खांसी में भी कुछ डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। तो खांसी के लिए इसको बनाया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कॉमन से। देखिए आपके बच्चे को सबसे पहले मतली उल्टी हो सकती है, या पेट ख़राब हो सकता है, दस्त लग सकती है, नींद आने की शिकायत हो सकती है, या दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है दोस्तों। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। स्किन पैरासिस निकलना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सिरप सस्पेंशन दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। इसकी जो डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जो डोज होती है दोस्तों, इसे जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल से 4 साल तक का है, तो उसे कितनी देनी है, उसे देनी है इस सिरप को 2.5 ml इसे दे सकते हैं, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा खांसी होने पे इसे दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और 5 साल से 10 साल तक का तो उसे 5 ml दिन में 2 बार देनी होती है, सुबह शाम। अगर ज़्यादा खांसी है तो दिन में 3 टाइम भी दे देती हैं, और इसे खाना खाने के बाद में इस सस्पेंशन को देना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका छोटा बच्चा है बिल्कुल, तो ये छोटे बच्चे के लिए अलग सस्पेंशन आता है, लेकिन मैं उसकी डोजेज आपको बता देता हूँ, बाकी आपका डॉक्टर कैलकुलेशन करके डोज बताता है। अभी जैसे आपका बच्चा मान लीजिए 6 महीने से 1 साल का है या 1.5 साल का है, तो उसे जो आप डोज देंगे उसे 1.5 ml दिन में 2 बार उसे देनी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अपने डॉक्टर की सलाह से इसकी डोज लें। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो दोस्तों मैं बता देता हूँ इससे कुछ दवाओं के साथ में डॉक्टर नहीं देते, कुछ डॉक्टर देते हैं लेकिन इसे लेना नहीं होता, जिससे कि एमोक्सिसिलिन हो गया दोस्तों, वो भी नज़ले खांसी में लिया जाता है, वो एंटीबायोटिक इसे भी खांसी में देते हैं तो डबल हो जाता है। तो आप ले सकते हैं, लेने को मनादी नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से लें। या एजिथ्रोमाइसिन जो होती है दोस्तों, उसे भी इसके साथ में ना लें, वो भी खांसी के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, अपने डॉक्टर की सलाह से लें। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई सी बीमारी आपको दिख रही हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस सस्पेंशन को दें। जैसे गुर्दे की बीमारी होती हो, लीवर रोग हो कोई आपके बेबी को, या हार्ट से रिलेटिव बीमारी हो, दौरे की दौरा होता हो, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को दें। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे खाना खाने के बाद में, दूध पिलाने के बाद में इसे देना होता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो दोस्तों मैं बता देता हूँ यूजेज जो लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि इसे सिर्फ खांसी के लिए ही इस सस्पेंशन को बनाया गया है, तो इसे खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरह की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए